हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर फिजिक्स टीचर मिस माहिन। टुडे वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 11 व्हिच इज़ कॉल्ड गैसेस लॉज। नाउ वी डिस्कस गैसेस लॉज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव इट्स इंट्रोडक्शन। व्हाट आर द गैसेस लॉज? गैसेस लॉज बेसिकली द मैथमेटिकल मॉडल और अ मैथमेटिकल रिलेशन इन विच we use the different parameters of gas. We use the two parameters of a gas or three parameters of a gas at a time, and one of the parameter is taken as constant. So we can say that gases laws are the mathematical relation or mathematical models in which we use parameters of gas. Now the question arises is that what are the parameters of gas? We have basically four different parameters of gas: pressure, capital P, volume, capital V, temperature, capital T, and amount of matters, which we use in the term of mass, which is small m. These are the parameters of gas. Now we discuss Boyle's law. Its statement is that volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure of that gas, provided the temperature is kept constant. जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पैरामीटर्स ऑफ गैस, या यू कैन सी दैट कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दो पैरामीटर्स यहाँ यूज़ किए गए, इनके दरमियान रिलेशन इन्वर्स हो डायरेक्ट हो डजेंट मैटर। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिंपल पैरामीटर्स ऑफ गैस, दो पैरामीटर्स यूज़ किए गए, वाइल द अदर इज टेकिंग एज कॉन्स्टेंट। तो हम मोस्टली बात करते हैं वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर की, इन तीन पैरामीटर्स की। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो थर्ड वन इज जो लेफ्ट है टेम्परेचर है। हियर द टेम्परेचर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की इक्वेशन हमने बनाई, वी वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर प्रेशर, कीपिंग द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटेगा सब कॉन्स्टेंट आएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी। If you want to write this equation for this for the different two states, so here P1 V1 it's your first state and P2 V2 is the other state. But for both these two states, temperature is constant. For first state T1 is constant and for the second stage T2 is constant. So generally we can say that PV equal to T, जिसको हम as a constant हम यहाँ treat कर रहे हैं. Similarly, if you want to see the effect of mass on this equation of Boyle's law, तो Boyle's law की जो इक्वेशन है PV, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। और जब वो इक्वेशन आपकी मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है सम कॉन्स्टेंट आता है, तो कॉन्स्टेंट के साथ मास मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके आपके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी पी वी इक्वल टू मास। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या इसकी पी वी डायग्राम जो आप इसकी बनाते हैं, उसमें आप अपने वाई एक्सिस पे प्रेशर रखेंगे, एक्स एक्सिस पे आपका वॉल्यूम होगा, और जब इनकी दीज टू डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपको एक हाइपरबॉलिक कर्व मिलेगा, एक कर्व मिलेगा जिसको आप हाइपरबॉलिक का नाम देते हैं। Now we discuss Charles' law. The statement is that volume of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature, provided the pressure is kept constant. Again, volume of gas V is directly proportional to temperature, absolute temperature T, while the pressure is constant. Now student, you can see easily here, we use the two parameters volume and temperature, while the third one is constant. Generally we use pressure, volume and temperature, these three parameters. So if we use the two parameters in any law, then the other one is constant. So here volume and temperature is used while the pressure is constant. Now the equation in mathematical form is volume is directly proportional to the temperature. एंड यू नो दैट कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है जब हटता है तो सम कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट आपके टेम्परेचर से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप चूंकि मल्टीप्लाई में टेम्परेचर है तो वो वॉल्यूम के पास जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपकी इक्वेशन बनेगी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इक्वल टू द कॉन्स्टेंट, एंड वेयर द कॉन्स्टेंट रिमेंबर दिस इज प्रेशर। नाउ इफ यू राइट दिस इक्वेशन फॉर द डिफरेंट स्टेट्स, फर्स्ट
first stage and second stage, V1 over T1 equal to V2 over T2. And for these two states, for both of these two states, pressure is constant. For first stage, pressure P1 is constant. And for the second state, pressure P2 is constant. Generally, we may written as V over T equal to constant. Graphical representation. The graph between V and T is a straight line. We plot a graph between volume and temperature. Put the temperature on x-axis and volume on y-axis. And we plot a graph. If we extrapolate it in backward direction, then it cuts at -273 degrees Celsius, which shows that volume of the gas is zero. Basically, Kelvin selected this temperature. The zero temperature is called absolute zero. According to the kinetic molecular theory, at zero Kelvin, we consider that molecules will be at rest. So here the question arises in your mind, what is absolute zero? What does it mean? Absolute zero means basically the lowest possible temperature. The lowest possible temperature is known as absolute zero. Theoretically, it is obtained by the help of Chern's law. If the graph between temperature and volume is plotted, when the temperature is extrapolated to x-axis, it cuts at -273 degrees centigrade, which is known as absolute zero. Now we discuss the topic kinetic theory of gases. Basically, kinetic molecular theory of gases provide us with a mathematical model with the help of which various properties of gas can be explained. It based on the following assumptions. Which assumptions? The assumptions are as: number one, any finite volume of a gas consists of a large number of molecules. Number two, molecules are separated by distances large as compared to their individual size. Number three, molecules move in random direction and making elastic collision with each other and with the walls of container. Walls of container may be considered perfectly smooth and elastic. Number four, molecules do not exert any force on each other except when they collide. Number five, Newtonian mechanics is applicable to the motion of molecules. Apply these assumptions on the molecules of a gas. Now we discuss the kinetic molecular theory of gases, its derivation. First of all, according to the kinetic theory, we know that the molecules of the gas are continuously in random motion. They collide with each other and with the walls of container. During this collision, they exert the force on the walls of container. This force per unit area of the walls of container is known as pressure of the gas. So from here, we get the equation of pressure P equal to F over A. Means on the basis of above assumptions ke molecules of gases jo hain wo random motion mein hote hain aur during this random motion wo collide karte hain ek dusre se bhi aur walls of container se bhi. Jab wo walls of container se collide kar rahe hote hain, is collision ke dauran wo walls of container pe force apply kar rahe hote hain. Jab wo yahan pe hum kisi bhi axis ko leke baat kar sakte hain, lekin hum generally x axis ko leke baat kar rahe hain for simplicity. कि अगर वो जाते हुए मॉलिक्यूल आपके वॉल्स ऑफ कंटेनर की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो जब वो उससे हिट करेगा तो आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के बाद वो रीबैक करेगा, तो आपकी दो वेलोसिटीज कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वी एक्स डायरेक्शन में, एक नेगेटिव वी एक्स डायरेक्शन में. ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा आपका प्रेशर कहलाता है. कंसिडर करेंगे हम इसके लिए एक आइडियल गैस विच इज़ फिल्ड इन अ बॉक्स और इन अ कंटेनर, जिसकी हर साइड को हम लेंथ एल का नाम देंगे. तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब हो जाएगा. इसमें टोटल नंबर ऑफ कैपिटल एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो कन्फाइंड होंगे. लेट करेंगे मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज स्मॉल एम विच इज मूविंग इन पॉजिटिव बी एक्स डायरेक्शन. जब वो कोलाइड करने जाएगा फॉर वन साइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड आफ्टर कोलिजन इट रीवर्स
so its direction is negative x-axis. Here we consider y and z component remains unaffected, only we use the component x. We talk about the one component x-axis. So mass and velocity, the product of mass and velocity, by the definition we know that called the momentum. So before collision we can say that momentum in positive x direction may written as momentum equal to mass of positive x axis of velocity component, and after the collision it may written as momentum equal to m with negative x direction, because its direction is reverse. So the total momentum we get 2mvx, means the change in momentum jo hame yahan pe milega minus mvx, minus sign hoga, minus sign hamara add ho jayega. Can say that the total momentum or the change in momentum we get delta p equal to 2mvx. Here the 2 we get the factor 2, because the molecule move in one direction, positive x axis, when we go and hit the walls of container, and when its direction reverse, then it means another position of velocity component we get. So here the two component, two position of velocities we have, positive axis and negative axis. Because of this two positions, we get the factor 2. Now student, after this total momentum or the change in momentum, we move towards the distance. For one collision, we know that the molecules cover a distance L plus L is equal to 2L. Means कि जब molecule एक बार जाएगा x axis पे, तो उस length को हमने, distance को हमने L का नाम दिया, और जब वो reverse करेगा अपनी position को, तो उस distance को again हमने L का नाम दिया. तो L plus L, तो total distance कितना हो गया एक molecule का for one collision, 2L हो गया. तो फॉर लीनियर मोशन हमें पता है कि हम इक्वेशन लेते हैं इक्वल्स टू वी टी की, यहाँ से टाइम की इक्वेशन हमने निकाली, एस ओवर वी हो जाएगा. तो एस की जगह उसकी वैल्यू हमने, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट की 2L, और वेलोसिटी हमें चूंकि पता है कि हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, वाई और जेड को हमने रिमेंस अनअफेक्टेड लिया है, सिर्फ एक्स एक्सिस को वर्किंग पोजिशन में लिया है, तो वेलोसिटी के नीचे हमने एक्स कंपोनेंट लगा दिया. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. रेट ऑफ के मायने होते हैं डिवाइडेड बाई टाइम, एनी थिंग डिवाइडेड बाई टाइम आप उसको रेट ऑफ कहते हैं. तो आगे है चेंज इन मोमेंटम, इट मीन्स के डेल्टा पी, और रेट ऑफ के मायने ओवर टी. तो डेल्टा पी ओवर टी को आपने कहा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन. इसकी वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की, चेंज इन मोमेंटम 2mvx हो गया, टाइम हो गया 2L ओवर vx, इसको आपने सॉल्व किया, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन हमारे पास भी इक्वेशन आ गई mvx स्क्वायर ओवर L. Now we know that कि हमारे पास चूँकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऊपर हम कंसिडर कर चुके हैं assumptions में अपने कि वी हैव n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड इन अ कंटेनर. तो तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, जब वो अपनी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, तो हर मॉलिक्यूल के लिए हम उसकी फोर्स जो है इंडिविजुअल निकालेंगे, F1, F2, F3, F2, Fn. और ये जो इक्वेशन निकलेगी तमाम मॉलिक्यूल्स को, चूँकि हमने x एक्सिस कंसीडर कर रखा है, तो स्टार्ट से ही हम x एक्सिस को लेकर चलेंगे. तमाम वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे फोर्स की इक्वेशन लिखते जाएंगे. F1 के लिए v1x स्क्वायर हो जाएगा, मास सबके साथ आएगा. इसी तरह F2 के लिए v2x स्क्वायर हो जाएगा, F3 के लिए v3x स्क्वायर हो जाएगा. जब हम Fn पे पहुंचेंगे तो vnx स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वी कंसीडर इन अबव के वी हैव n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड इन अ कंटेनर. यहाँ से आप m ओवर l तमाम इक्वेशन से कांस्टेंट निकालेंगे, वेलोसिटी फैक्टर अंदर रह जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय करेंगे कैपिटल n. कैपिटल n से क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि एक साइड पे हमें टोटल मास चाहिए जो कि गैस वॉल्यूम, जो कि टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होगा, और जब डिवाइड में ही आ जाएगा फैक्टर n का वेलोसिटी के साथ, तो यह हमारी इसको एवरेज वेलोसिटी बना देगा. तो फाइनली वी गेट इक्वेशन 1. वुड दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्स इन कैपिटल A, इक्वेशन कैपिटल A, फ्रॉम वेयर वी गेट pressure equal to this equation. Finally, we know that density equal to total mass over volume, and total mass equal to small m capital N, यानी कि small m mass, capital N number of molecules. So total number of molecules का mass जो हो गया, total mass हो गया m capital N over volume. तो mn over L cube, इसको हम density rho के sign में convert कर देंगे, बाकी velocity आपकी as it is रहेगी.
अब यहाँ हम ये कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी का अभी तक हमने सिर्फ एक्स एक्सिस लिया था, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेंगे, वाई एक्सिस पर भी है, जेड एक्सिस पर भी है। तो अगर हम जनरली तमाम एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखें, हम वेलोसिटी जो कि वेक्टर कंपोनेंट है रिजॉल्व होगा अपने वेक्टर्स में, वी इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई वी जेड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वी का एक स्क्वायर होगा तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर हो जाएगा। और इसी वी का अगर हम एवरेज लेना चाहें तो वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स बार स्क्वायर प्लस वी वाई बार स्क्वायर प्लस वी जेड बार स्क्वायर हो जाएगा। और कंसीडर हमारी ये होगा क्योंकि मॉलिक्यूल हमारी जो पहली अजम्पशन थी, पहला पॉइंट था इसका काइनेटिक थ्योरी का, कि मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन, मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडम मोशन। बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, दिस पॉइंट, हम ये वेलोसिटी को उसके वेक्टर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और हम इसके एक्स वाई जेड तमाम कंपोनेंट लेंगे। इक्वल प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स के तमाम साइड्स में मूव करने की। तो आगे जाके हम इसी वेलोसिटी वेक्टर को वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड कर देंगे, कि मॉलिक्यूल की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस में जाए, वाई एक्सिस में मूव करे या जेड एक्सिस में मूव करे। नाउ वही बात जो अभी ऊपर डिस्कस की कि मॉलिक्यूल्स की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तमाम साइड्स पे मूव करने की। तो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड कंपोनेंट्स, वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो तमाम साइड्स पर इक्वली उनकी प्रोबेबिलिटी है। वी एक्स एवरेज का स्क्वायर इक्वल टू वी वाई एवरेज का स्क्वायर प्लस वो इक्वल टू वी जेड वाई का स्क्वायर। अगर इक्वल प्रोबेबिलिटी, इट मींस के वी एक्स बराबर होगा वी वाई के, वी जेड भी बराबर होगा वी एक्स के, तो तमाम इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम अबव इक्वेशन में जो हमने वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड किया है, वहाँ हम वी वाई और वी जेड की जगह वी एक्स और वी एक्स लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे उसी चीज़ को यूज़ किया, इसी पॉइंट को हमने यूज़ किया अजम्पशंस के पहले पॉइंट को, और हमने इस इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी को चेंज किया इसके अंदर बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। वी एक्स प्लस वी एक्स प्लस वी एक्स बार का स्क्वायर हमने किया, तो ये थ्री टाइम वी एक्स एवरेज का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में थ्री नीचे आ जाएगा तो वी एक्स एवरेज का स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे अबव इक्वेशन में, देन वी गेट वन ओवर थ्री रॉ वी बार स्क्वायर, वेयर रॉ इज द डेंसिटी। 1 ओवर 3, फैक्टर 3 कम्स एज यू नो दैट कि वेलोसिटी कंपोनेंट को रिजॉल्व किया हमने 3 फैक्टर्स में, वी एक्स वी वाई वी और फिर वी जेड और फिर कहाँ की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 3 का फैक्टर हमारे पास यहाँ से आया। तो ये हमारी इक्वेशन थी प्रेशर की, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की।